आखिर क्यों आपके साथ नहीं जम पाए सिद्धू। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात का खुलासा खुद किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनकी बातचीत कैसे विफल रही। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि आप में उनके लिए टिकट की कोई बात नहीं थी। सिद्धू के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल इतना चाहते थे कि सिद्धू सिर्फ चुनाव प्रचार करें। इस पर उन्होंने कहा, मैं सिस्टम में हुए बिना सिस्टम को कैसे बदल सकता हूं। सिद्धू ने आप प्रमुख को असुरक्षित बताते हुए कहा, केजरीवाल नहीं चाहते थे कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं। उन्होंने कहा कि आप प्रचार करें, हम आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, उन्हें मंत्री बनाएंगे। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को उनके घर भी भेजा था, पर सिद्धू उनसे नहीं मिले। पाठक और संजय सिंह के साथ बैठक के बाद सिद्धू केजरीवाल के पास गए। उन्हें वहां बताया गया कि उनकी भूमिका में केवल प्रचार करना शामिल होगा। सिद्धू ने कहा, कल्पना कीजिए, एक 4 बार का सांसद उनके पास जाता है और कहता है कि मैं पंजाब के लिए आया हूँ। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी सिद्धू की आप में जाने की खबरें आई थी। आपको बता दें कि सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और सिद्धू के संबंधों को लेकर खबरें आती रही। पिछले साल आपको लेकर सिद्धू ने ट्वीट में इस बात की अटकलों को हवा दे दी थी कि क्या वो पार्टी में शामिल होंगे। कुछ ट्वीट्स में कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे दृष्टिकोण और काम को पहचाना। एक पोस्ट में सिद्धू ने लिखा था, हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे दृष्टिकोण और काम को मान्यता दी है। बेदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और पंजाब के लोगों द्वारा सामना किए गए बिजली संकट जैसे मुद्दे मेरे द्वारा या आज के रूप में मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूँ। यह स्पष्ट है कि वे जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। बाद में एक अन्य पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कांग्रेस के पंजाब प्रतिद्वंदी के प्रति कटाक्ष के रूप में था।